नमस्कार दी इंडियन डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चंदन और आज मैं एक बहुत ही गंभीर बात आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए, अभी कोरोना का बहुत बड़ा खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है और भारत उससे बहुत कम प्रभावित अभी हुआ है, लेकिन आगे ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो सरकार इसके लिए सभी जरूरी स्टेप उठा रही है। डॉक्टर्स जो हैं, WHO जो है और स्वास्थ्य से जुड़े जो लोग हैं, वो आपको बार बार ये समझा रहे हैं कि आप घर में रहें, प्रिकॉशंस लें, बार बार हाथ धोते रहें, किसी से मिले जुले नहीं, संक्रमित चीजों को न छुएं। इस तरह के तमाम प्रिकॉशंस आपको बताए जा रहे हैं और लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है, होम अरेस्ट में रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और साथ ही वो सोच रहे हैं कि ऐसा करने से आखिर क्या लाभ मिलेगा। तो मैं यही बात आपको आज समझाने वाला हूं। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं और कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित होने वालों की संख्या कम है, तो हम इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बात मैं इसमें समझाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है, एक मैक्सिमम सीमा होती है जिसको वो हैंडल कर सकता है। जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में प्रति 10,000 व्यक्ति है 10 बेड उपलब्ध है। हॉस्पिटल्स में 10 बेड उपलब्ध हैं 10,000 व्यक्तियों पर, है ना। तो अगर 10 की बजाय 20 आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट लोग कर पाएंगे, लेकिन 10 के बजाय 1,000 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है, आपका स्वास्थ्य तंत्र जो है, उनको संभाल नहीं पाएगा और उन लोगों को प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी, है ना। तो अब आप इस बात को समझिए कि एक कम्युनिटी ऐसी है जहां लोगों ने बिल्कुल प्रिकॉशन नहीं लिया, बिल्कुल भी प्रिकॉशन नहीं लिया, तो शुरू में केसेस तो कम होंगे, लेकिन चूंकि प्रिकॉशन लोग नहीं ले रहे हैं, धड़ल्ले से घूम फिर रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, बाहर जाना छोड़ नहीं रहे हैं, है ना, संक्रमित चीजों को बार बार छू रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो शुरू में दो चार लोग पीड़ित थे, वो ये इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से पूरी कम्युनिटी में फैला देंगे। और इस केस में क्या होगा कि जो पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए, आपके हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी अगर इतनी है और नंबर ऑफ केसेस बढ़ते 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 बहुत कम समय में इतने तक पहुंच गए, तो आपका स्वास्थ्य तंत्र जो है, आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है, उनको संभाल नहीं पाएगा और उन मरीजों को प्रॉपर केयर नहीं मिलने की वजह से सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाएगी, हालात बेहद गंभीर हो जाएंगे और उनमें से बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। साथ ही चूंकि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा संख्या में रोगियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो आपकी सरकार को और आपके हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाने का, सुधारने का, जैसे अगर सरकार को मौका मिलता है, थोड़ा सा समय अगर आप सरकार को देते हैं, तो सरकार धीरे धीरे जो आइसोलेशन रूम है उनकी संख्या बढ़ाएगी, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाएगी, हॉस्पिटल में सुविधाओं को बढ़ाएगी, तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है। तो चूंकि बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा मात्रा में केस आ जाएंगे, तो ये भी संभव नहीं हो पाएगा, साथ ही उन लोगों को प्रॉपर केयर भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम उनको संभाल नहीं पाएगा। अब एक दूसरा केस लेते हैं कि जिस कम्युनिटी में शुरू में दो चार की बजाय 10 ही केस हो, लेकिन लोग अगर प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हैं, वो लोग सारी सावधानियां बरत रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, हैंड वॉशिंग बार बार कर रहे हैं, संक्रमित चीजों को नहीं छू रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिए, होम अरेस्ट में है, तो इस केस में क्या होगा कि धीरे 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 ओवर द टाइम जो लोग संक्रमित होंगे उनकी संख्या कम रहेगी। तो अगर हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी इतनी है और संक्रमित जो रोगी हैं उनकी संख्या इतनी रही या इतनी रही या थोड़ी बहुत इतनी भी रही, तो स्वास्थ्य तंत्र उनको संभाल लेगा। दूसरी बात है कि चूंकि इतने ही रोगी आएंगे, अभी एक हफ्ते में इतने रोगी आएंगे, फिर अगले हफ्ते इतने रोगी आएंगे, फिर मान लीजिए उसके अगले हफ्ते थोड़े ज्यादा भी रोगी आए, तो सरकार को और स्वास्थ्य तंत्र को एक समय मिलेगा ताकि वो इस समय में अपनी कैपेसिटी जो है, अपनी क्षमता जो है, वो उसको बढ़ा पाएगा। वरना अगर वो अपनी क्षमता सही से नहीं बढ़ा पाया तो उसके लिए भी ये सब हैंडल करना मुश्किल होगा, जैसे कि पिछले केस में हुआ था जहां लोगों ने प्रिकॉशन नहीं बरता था। बट इस केस में चूंकि लोग प्रिकॉशन बरतेंगे, नंबर ऑफ केसेस यानी रोगियों की जो संख्या है कम समय में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वो एक सीमित मात्रा में रहेगी, तो स्वास्थ्य तंत्र भी उनको आराम से हैंडल कर पाएगा और साथ ही साथ सरकार को और स्वास्थ्य तंत्र को एक मौका भी मिलेगा कि वो अपने आप को सुधार सके, अपनी क्षमता को इम्प्रूव कर सके, उसे बढ़ा सके। तो आपको जो मिलने वाला केयर
जो है वो भी बढ़िया होगा, आपका इलाज भी बढ़िया से होगा, और इस केस में उस इंफेक्शन से मृत्यु दर जो होगी वो भी कम होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना गंभीर रूप से संक्रमित होने वाले रोगियों की संख्या कम है, तो चलिए इसको एक आंकड़े पे समझते हैं। मान लीजिए कि कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की संख्या 10 में से 1 है। इस तरह का अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कुछ लोग जो हैं उनको बहुत ही साधारण इन्फेक्शन होता है, माइल्ड इन्फेक्शन होता है, कुछ लोग थोड़े गंभीर होते हैं, कुछ ज्यादा गंभीर होते हैं और कुछ बेहद गंभीर होते हैं। अब मान लेते हैं कि 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, एकदम साधारण इन्फेक्शन है, और बाकी 5 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा गंभीर है, 2 ऐसे लोग हैं जो थोड़े ज्यादा गंभीर हैं, और 1 आदमी वैसा है जो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो पहले केस में जिसमें नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बहुत कम समय में, ना रोगियों की संख्या बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो गई होगी, तो जो थोड़े गंभीर रोगी हैं उनको भी प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा, क्योंकि एकाएक बहुत बड़ी मात्रा में रोगी आ गए हैं और स्वास्थ्य तंत्र की जो सीमा है वो इतनी ही है, तो वो सबको संभाल नहीं पाएगा, तो थोड़े गंभीर रोगियों को भी अच्छे से सेवा नहीं मिल पाएगी, थोड़े ज्यादा गंभीर रोगी हैं उनको भी अच्छे से सेवा नहीं मिल पाएगी। और पहले मान लीजिए कि मृत्यु सिर्फ बहुत ज्यादा गंभीर व्यक्ति की हो रही है, यानी 10 में से 1 व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गंभीर था वही मरने की कगार पर है या मरता है प्रॉपर केयर मिलने के बावजूद, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि थोड़े गंभीर रोगी को भी उतनी केयर नहीं मिल पा रही है, जो थोड़ा ज्यादा गंभीर है उसको भी उतनी केयर नहीं मिल पा रही है, तो ये जो 4 रोगी हैं इनमें से भी कई सारे रोगी मर जाएंगे। तो 10 में से अगर पहले केस में मृत्यु दर मान लीजिए 10% थी, तो इस केस में मृत्यु दर बढ़ के 40%, 30%, 35%, 50% हो जाएगी। तो अगर आप प्रिकॉशंस नहीं बरतते हैं तो एकाएक ह्यूज मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में रोगी उत्पन्न हो जाएंगे, तो हेल्थ केयर सिस्टम उनको झेल नहीं पाएगा, और उस केस में सरकार को भी मौका नहीं मिल पाएगा कि वो हेल्थ केयर सिस्टम की क्षमता को बढ़ा सके, और साथ ही साथ चूंकि थोड़े गंभीर रोगियों को भी पर्याप्त केयर नहीं मिल पाएगा, पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो उनके भी मरने की आशंका जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप मेरी बात को अभी भी हल्के में ले रहे हैं तो मैं आपको 2 आंकड़े देता हूं, और अभी आप कभी भी गूगल करके इटली की कंडीशन देख सकते हैं। आपको पता है कि पिछले साल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की रेटिंग आई थी कि हेल्थ केयर सिस्टम कितना एफिशिएंट है अलग अलग देशों में, करीब 191 देशों का उन्होंने सर्वे किया था, और इस सर्वे में इटली दूसरे नंबर पर था, इटली दूसरे नंबर पर था, और भारत की पोजीशन पता है कहां थी, भारत 112वें नंबर पर था। तो जो इटली दूसरे नंबर पर था उसकी आज ये कंडीशन है, तो जो भारत 112वें नंबर पर है उसकी क्या कंडीशन होगी अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, सावधानियां नहीं बरतते हैं, ये आप खुद सोचिए। दूसरी बात है कि अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में 10,000 की पॉपुलेशन पे 10 बेड उपलब्ध है, इटली में आपको पता है कि 10,000 पॉपुलेशन पे करीब करीब 34 बेड उपलब्ध है, तो जो आंकड़ा हमारे पास है इटली की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इटली का जो हेल्थ केयर सिस्टम की एफिशिएंसी है वो भी आंकड़ों में जैसा WHO की रिपोर्ट में आई थी वो भारत से बहुत ज्यादा है, तो इतने होने के बावजूद भी उन लोगों की स्थिति आज ये है, तो भारत की स्थिति क्या होने वाली है आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए। और मैं आपसे अब ये विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे बार बार ये अनुरोध करता हूं कि ये समय बहुत ही क्रूशियल है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट की बात पर ध्यान दीजिए। अभी मोदी जी ने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू की बात सामने रखी है, आप उसे सपोर्ट कीजिए। 22 तारीख को तो बिल्कुल भी सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल बाहर मत निकलिए, ताकि हम 24 घंटे का एक ब्रेक दे सकें इन्फेक्शन को, और इससे हमें सकारात्मक रिजल्ट मिल सके। तो पूरी तरह से प्रिकॉशन लीजिए, सारी सावधानियां बरतिए, वरना हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सावधानी बरतेंगे, मेरी बात समझेंगे, सरकार की बात सुनेंगे, WHO की बात सुनेंगे, डॉक्टर्स की बात सुनेंगे, और अपना और अपने लोगों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, मास्क का इस्तेमाल करेंगे जहां जरूरत हो, हैंड वॉशिंग बार बार सही तरीके से करेंगे, संक्रमित चीजों को नहीं छुएंगे, और हम सब मिलकर इस संकट की घड़ी से आसानी से बच निकलेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।